RHME की इस वीडियो में हमारा मोटिव यह है कि इमरजेंसी के टाइम पे वो क्या क्या मेडिसिंस हैं जो कि आपके घरों में होनी चाहिए, जिससे आप अपने जो सिम्टम्स हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो क्लिनिकल दिक्कतें हैं, उसको आप प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकें, ताकि आप जब बेटाइम पे जब आपको कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर की सर्विस नहीं मिल रही है, तो एटलीस्ट आप इन दवाइयों का यूज़ करके अपनी जो सिम्टम्स हैं, जो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व कर सकें। तो इन दवाइयों को लिए ट्रेन करने का मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको मैं आपकी बीमारियाँ ठीक करने के लिए हूँ। मेरा मोटिव यह है कि आप लोग एटलीस्ट जब आपके पास कोई डॉक्टर या मेडिकल सर्विसेज आपके पास नहीं मिल रही, तो एटलीस्ट अब अपनी प्रॉब्लम जो अपनी जो दिक्कतें हैं, जो अपने सिम्टम्स हैं, उसको सॉल्व कर सकें, उसको ठीक कर सकें। तो इस वीडियो में आप ध्यान से समझिए कि एक एक दवाइयों के ऊपर, ताकि आप अपने पेशेंट के या अपने साथ के जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको रेक्टिफाई कर सकें और उसको क्लिनिकली आप बेटर कर सकें। अब एक एक करके हम सारी मेडिसिंस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वो मेडिसिंस पे बात करते हैं जो कि पेट की समस्याओं के लिए आपके लिए ज़रूरी है। ताकि जब भी मान लीजिए आपको कोई पेट से प्रॉब्लम होती है, जब गैस्ट्राइटिस होता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, उल्टियाँ होना, तो उनके लिए आपको कौन कौन सी दवाइयाँ जो आपके लिए यूजफुल होंगी उस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल एक दवाई है जो कि गैस की दवाई है। इसकी जो डोजेज है ये 40 मिलीग्राम की डोज है। अच्छा, एक चीज़ आप सबसे क्लियर रखिए, इसमें जितनी भी मेडिसिन हम बता रहे हैं वो एडल्ट्स के लिए बता रहे हैं, मतलब बड़े लोगों के लिए बता रहे हैं। बच्चे लोगों के लिए जो इमरजेंसी ड्रग किट होगी वो सेपरेट होगी, वो दूसरी वीडियो में होगी। इस वीडियो में हमारा मेन टारगेट केवल एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स की जो रूटीन जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको होती है, जिसके लिए उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो दवाइयाँ चाहिए उस पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए पेंटोप्राजोल जो है ये 40 मिलीग्राम की टैबलेट है जो आती है, और इसका मेन रोल ये है कि आपको पेट में जो गैसिडिटी होती है, गैस बनना जो होता है, उसको कम करता है। दूसरा डोमपेरिडोन जो है, पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन आता है, जिसका एक रूटीन जो ब्रांड है पैनडी के नाम से होता है। इसका जो मेन क्या है, डोमपेरिडोन जो है वो आपकी वॉमिटिंग को ठीक करता है, और पेंटोप्राजोल जो है एसिडिटी और गैस बनने को रोकता है। तो पैनडी नाम से एक टैबलेट आती है जो आप इन दोनों के में हेल्प करती है। दूसरा तीसरा सॉल्ट जो है वो लेसुराइड है। लेसुराइड एक तरीके से प्रोकाइनेटिक है। इसका काम क्या है, आपकी आंतों की मूवमेंट को नीचे की तरफ ले जाना है, ताकि मान लीजिए आपका पेट फूल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो छाती में भारीपन है, कुछ यहाँ पे गैस जैसा लग रहा है, तो पेन एल करके एक टैबलेट है जिसमें पेंटोप्राजोल और लेसुराइड की दोनों की कॉम्बिनेशन है, जो कि गैस और आपकी मोटिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो इस प्रकार से इनके सॉल्ट के जो कॉम्बिनेशन है वो आपको दिखते हैं। दूसरा जो दवाई है वो है रेनिटिडीन। रेंटेक के नाम से, रेंटेक एक कॉमन ब्रांड है जो हर जगह मिलता है। रेनिटिडीन भी एसिडिटी और गैस के लिए दवाई है। यूजुअली रेनिटिडीन हम प्रिफर करते हैं उन पेशेंट्स में जो कि कार्डियक पेशेंट्स हैं, जिनको दिल की पहले से प्रॉब्लम है। तो रेनिटिडीन की जो दवाई है ये यूजुअली कार्डियक मेडिसन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है, तो हम इसको प्रिफर करेंगे गैस के लिए। इसके अलावा कभी कभार हमने देखा है कि रेनिटिडीन की वजह से भी लोगों को एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं, तो अगर आपको हिस्ट्री है रेनिटिडीन से एलर्जिक रिस्पॉन्स की, तो इस दवाई को ना लें। इसके अलावा देखिए सिरप डाइजीन है। सिरप डाइजीन जो है ये एंटा एसिड है। इसका मेन जो रोल है, जो आपका पेप्टिक अल्सर की वजह से जो एसिडिटी होती है, गैस फॉर्मेशन होती है, और जो एसिड का रिफ्लक्स होता है उससे आपको बचाती है। इसके अलावा जो सिरप म्यूकेन जेल है, म्यूकेन जेल का जो रोल है वो एक तरीके से आप एनेस्थेटिक एजेंट है, ये सुन कर देता है। तो अगर आपके पेट में गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर्स हैं, तो उन अल्सर्स में क्या होता है कि जब कोई भी खाना वहाँ जाता है, सड़ता है, तो उन अल्सर्स में पेन होता है, पेन टेंडरनेस होती है, तो जब भी स्पाइसी फूड खाएंगे तो आपको पेन होगा। तो ऐसी स्थिति में म्यूकेन जेल क्या करता है, उस जगह पर कोटिंग कर देता है, ताकि वहाँ पर जो नर्व एंडिंग है, नर्व सेंसेशंस हैं, वो खत्म हो जाए, तो आपको पेन रिलीफ हो जाता है। तो कोई भी पेप्टिक अल्सर की वजह से अगर पेन हो रहा है तो उसमें पेन किलर काम नहीं करेगा, क्योंकि पेन किलर पेप्टिक अल्सर को और बढ़ा देता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में म्यूकेन जेल जो है ये एक ब्रांड है, जिसमें कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि आपको लोकल एनेस्थेटिस्ट का काम करते हैं, तो ये एक दवाई हो गई। इसके अलावा एमसेट होता है। एमसेट जो है ये एक वॉमिटिंग के लिए एक ब्रांड है, इसमें ओंडेंसेट्रोन होता है। इसका जो मेन रोल जो है, ये 4 मिलीग्राम की टैबलेट टू 8 मिलीग्राम की टैबलेट रहती है, ये वॉमिटिंग से आपको बचाता है, वॉमिटिंग ना होने की टेंडेंसी, वॉमिटिंग होने की टेंडेंसी उसको रोकता है। तो इन दवाइयों को आप क्लियरली समझ लीजिए, ये यूजुअली आपको एसिडिटी,
उल्टी महसूस होना, उल्टी आना, उससे आपको प्रोटेक्ट करती है। अब एक एक जो हमने बात करी उन एक एक दवाइयों पे, वैसे मैंने बात करी थी वो यही है कि पेंटोप्राजोल, डोमपेरिडोन और लेसोराइड। पेंटोप्राजोल जो है मैंने आपको बताया था गैस की दवाई है, और डोमपेरिडोन जो है वो वॉमिटिंग को रोकता है। तो इसीलिए एक दवाई है जो ब्रांड है जो नाम से आता है, पैन डी के नाम से आता है। तो पैन डी में पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन दोनों होता है। यूजुअली डोमपेरिडोन कुछ स्टडीज में कहते हैं कि डोमपेरिडोन जो है कार्डियक अनस्टेबल है, मतलब कार्डियक लंबे समय अगर आप लेते हैं तो कार्डियक जो प्रॉब्लम्स है उसको बढ़ाता है। तो कोशिश करेंगे हम पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन की जगह पे प्लेन पेंटोप्राजोल का टैबलेट लेंगे, या पेन एल जो मैंने लेसोराइड के साथ बताया जो कि प्रोकाइनेटिक है, जो गैस्ट्रिक मोटेलिटी और उसको बढ़ाता है, तो उसको लेंगे। लेसोराइड जैसे मैंने आपको बताया था प्रोकाइनेटिक है, ये पेट को, पेट में आंतों को मूवमेंट करने में, जो भी खाना है उसको प्रोपेल करने में मदद करता है और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स से बचाता है। तो इस तरीके की जो कॉम्बिनेशन है जैसे मैंने बताया पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन, या पेंटोप्राजोल जो लेसोराइड के साथ, ये दो कॉम्बिनेशन के साथ हम पेशेंट की जो ये जो मेडिसिन है, ये दो ब्रांड है जो इजीली आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, ये जो हम इमरजेंसी मेडिसिन पर हम बात कर रहे हैं, इसका जो मेन मोटिव ये है कि आपका टेम्पररी रिलीफ देना। इसकी जो वीडियो को आप ये मत समझिए कि मैं आपको ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ, ये केवल टेम्पररी रिलीफ है। अल्टीमेटली आपको अपने कंसल्ट, डॉक्टर को कंसल्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ और बीमारी को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं और है कुछ और। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि आप अपने आप की बीमारी को टेम्पररी, अगर मान लो रात में आप हैं, रोड पे चल रहे हैं, कोई डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो ये सारी दवाइयाँ जो है एट द मोमेंट ऑफ टाइम आपको आपको रिलैक्स कर देंगी। फिर आप अपने डॉक्टर को दिखाइए ताकि जो एक्चुअल कारण है उसको आप रेक्टिफाई कर पाएं। अब हम समझते हैं रेनिडिडीन के ऊपर। रेनिडिडीन जैसे मैंने बताया ये भी एंटा एसिड है, और इसका जो मेन जो ब्रांड है या तो एसिलॉग है या रेंटेक टैबलेट है। इसको यूजुअली हम प्रेफर करते हैं उन पेशेंट में जो ऑलरेडी कार्डिक मेडिसिन के ऊपर है और उसको गैस्ट्राइटिस होता है, और इसमें ये जो प्रेफर किया जाता है यूजुअली एज अ एंटा एसिड के रूप में प्रेफर किया जाता है। इसकी 150 मिलीग्राम की डोज है, 50 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम की डोज होती है। और इसका जो मेन जो दिक्कत ये है कि कभी कभार कुछ लोग जो है इस दवाई के लिए एलर्जिक होते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सिर्प डाइजीन जैसे मैंने आपको बताया ये न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है, ये एंटा एसिड है, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिटी के पीएच को कम करता है ताकि आपके जो एसिड रिफ्लक्स है उसमें कमी आ जाए। तो डाइजीन का जो मेन रोल जो है वो आपके जो स्पाइसी फूड, आप जब कुछ भी ऑयली फूड खाते हैं उसके बाद जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है उसको कम करने में मदद करता है। म्यूकिन जेल का जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और ये इस प्रकार का अल्सर है, तो अल्सर में क्या होता है कभी कभार खाना जो है अटक जाता है, और अटकने के बाद वहाँ पे सड़ने की वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो नर्व एंडिंग है उसमें पेन होता है, टेंडननेस होती है, जलन जैसी महसूस होती है। और ये जो पेन है, ये जलन है, ये कभी भी पेन किलर से नहीं ठीक होती, क्योंकि इस प्रकार के जो अल्सर्स हैं जब भी आप पेन किलर लेंगे और ये बढ़ जाते हैं। तो ऐसे जगह पे आपको एक ऐसी दवाई चाहिए जो कि यहाँ पे कोटिंग बना दे और इसको सुन कर दे इस एरिया को, ताकि कोई भी रिएक्शन, कोई भी जो स्टिमुलस है वहाँ पे एक्ट ना करके उसको पेन सफरिंग्स ना दे। तो इस म्यूकिन जेल का जो काम है वो केवल और केवल उसको सुन कर देने का है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपके जो पेन है वो नलीफाई हो जाए। तो म्यूकिन जेल का केवल काम यही है। इसके अलावा जब भी मान लीजिए गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है, उसकी वजह से जो ईसोफेगस में पूरा छिल जाता है, जल जाता है, या मान लीजिए गले में एसिडिटी की वजह से पूरा इरोजन हो जाता है, उसमें भी म्यूकिन जेल जो है एक तरीके से सुन करने का, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करती है। एमसेट जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एमसेट, और इसको ऑडेंसेट्रोन भी कहते हैं। ऑडेंसेट्रोन इसका सॉल्ट है जो इसमें पड़ा होता है। इसका ऑडेंसेट्रोन और एमसेट का जो रोल है वो केवल आपको वॉमिटिंग जैसे होती है या वॉमिटिंग जैसा महसूस जो होता है उससे आपको प्रोटेक्शन देता है। इसकी जो डोज है वो यूजुअली 4 to 8 मिलीग्राम जो है दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और इसका मेन जो है कि आपको गैस्ट्राइटिस के साथ अगर वॉमिटिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने में। अब हम बात करते हैं उन मेडिसिन के ऊपर जो कि आपके शरीर में जब पेन होता है या कोई स्पैजम होता है, मस्कुलर स्पैजम होता है, तो उसको रिलीव करने में मदद करती हैं। तो ये सारी मेडिसिन जो हैं, जो जैसे कभी आपको फीवर आता है, पेन होता है, स्पैजम होता है, रिलीव उन सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिलीव करने में मदद करती हैं। एक सबसे पहली जो है टैबलेट जो है वोवेरॉन की, जो कि एक डिक्लोफेनिक सोडियम टैबलेट है। आमतौर पर ये ब्रांड जो है हर जगह अवेलेबल है। ये दो
कंपोजिशन में आता है, 75 मिलीग्राम में, 100 मिलीग्राम में, सस्टेन रिलीज भी होता है, नॉर्मल भी होता है। ये एक तरीके से एनसेड्स है, इसका काम जो है आपके शरीर में पेन को रिलीव करना है, तो ये पेन किलर का काम करती है। दूसरी जो दवाई है जो है मोबीजॉक्स, मोबीजॉक्स भी एक ब्रांड है। इसमें जो सॉल्ट्स हैं वो दो तीन तरीके के सॉल्ट हैं, जिसमें पैरास्टामोल है, डिक्लोफिनिक सोडियम है, और इसके अलावा एक मसल रिलैक्सेंट है। तो इसका जो मेन रोल वो है कि जब आपको कभी मस्कुलर स्पैज़म हो जाए या जकड़न हो जाए या कोई स्प्रेन हो जाए तो उसमें मोबीजॉक्स से बहुत रिलीफ मिलता है। तीसरी चीज़ क्या है, ड्रोटीन डीएस। ड्रोटीन डीएस डोटावेरिन होता है, ये स्पास्मोडिक पेन में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पेट में मरोड़ों उठते हैं, या मान लीजिए आपके जो स्टोन है, अगर मान लो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो स्टोन की वजह से आपके पेट में मरोड़ों होने की वजह से जो पेन होता है उसको कम करने में ड्रोटीन डीएस की जो टैबलेट है वो काम करती है। चौथी चीज़ है जो पैरास्टामोल है, 500 मिलीग्राम में और 650 मिलीग्राम में आता है। ये एक तरीके से फीवर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, और जो माइल्ड अगर पेन है, माइल्ड आपको प्रॉब्लम्स है, उसको हेल्प करती है। तो इस प्रकार की जो चार मेडिसन्स हैं जो कि आपके घरों में होनी चाहिए, जो कि आपको एक्यूट जो पेन है, स्पैज़म है, जो आपका जकड़न है, उसको रिलीफ करने में हेल्प करती है। बट एक चीज़ का याद रखेंगे, ये चारों जितनी भी मेडिसन्स हैं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये लॉन्ग टर्म में ली जाती है या बार बार ली जाती है तो ये किडनी को डैमेज करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेक्ट डायग्नोसिस की ज़रूरत है। तो आप इसको एक ट्रीटमेंट ना समझ के एक तरीके से सिम्टोमेटिक आपको रिलीफ मिल गया, ये क्या हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया वोवरोन का जो मेन काम है, ये इसमें आपका डिक्लोफिनिक सोडियम होता है, और ये पेन जितने भी पेन्स हैं उसमें काम करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव जैसे मान लो कोई ट्रॉमा है, कोई सर्जरी है, या कोई रोड साइड एक्सीडेंट होता है, उस टाइम पे अगर मान लो कोई स्वेलिंग हो गया, कोई पेन हो गया, तो उसमें ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो वोवरोन का टाइप ये है। कभी कभार कुछ लोग वोवरोन के लिए या डिक्लोफिनिक या एनसेड्स के लिए एलर्जिक भी होते हैं, अगर वो हिस्ट्री है तो उसको ये प्रोटेक्ट करना है कि ये सब दवाइयाँ नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ क्या है, मोबीजॉक्स जैसे मैंने बताया था, ये एक तरीके से मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। जैसे आप रात को सो रहे हैं, रात को सोते सोते गर्दन में अकड़न आ गई, हाथ में अकड़न आ गई, या हाथ कोई टेढ़ा हो के उसकी वजह से जकड़न आ गई, तो उन सब चीज़ों में जो स्पास्मोडिक पेन होते हैं उसमें ये मदद करता है। तो इस प्रकार के जो पेन सफरिंग्स होती हैं, मस्कुलर जो है स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, उसमें ये हेल्प करती हैं। ड्रोटीन डीएस जैसे मैंने बताया, ये स्पास्मोडिक पेन के लिए होते हैं। स्पास्मोडिक पेन जो होता है, जो पेट में जो इंटेस्टाइन में जो मरोड़ो होते हैं, या आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर मान लो कोई स्टोन है, स्टोन का जो पेन होता है, उसमें ड्रोटीन डीएस जो है बहुत हेल्प करता है। तो ड्रोटीन डीएस का जो रोल है इस प्रकार के पेन को रिलीफ करने में, लेकिन प्रीफरेबली हम दोनों चीज़ें पेशेंट्स को देते हैं। अगर स्टोन होता है उसमें वोवरोन की टैबलेट भी देते हैं और उसमें ड्रोटीन डीएस भी देते हैं। लेकिन स्टोन के टाइम पर आप याद रखिएगा, अगर आप स्टोन का ट्रीटमेंट इन दोनों दवाइयों से सोच रहे हैं तो नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये केवल पेन रिलीफ है। लेकिन बहुत सारे मैंने पेशेंट्स देखे हैं, वो ये दवाइयाँ लेते 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 अपने स्टोन को दबाते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो स्टोन इतना बढ़ जाता है या इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वो किडनी को नुकसान पहुँचाता है और किडनी फेलियर में पेशेंट चला जाता है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कालपोल, जैसे मैंने, कालपोल एक ब्रांड है, और इसकी जो टैबलेट है वो दो में आती है, 500 मिलीग्राम में, 650 मिलीग्राम में। इसका जो मेन रोल जो है, ये आपकी बॉडी में जो फीवर है, हेडेक है, फीवर की वजह से आप में जो थकावट आती है, जकड़न होती है, मलेज होता है, वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कालपोल टैबलेट की वजह से रिलीफ हो जाती है। तो अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है तो हम बेटर कर सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, लोगों की ये थ्योरी है या थॉट प्रोसेस है कि जो फीवर है वो एक तरीके से बहुत ख़राब चीज़ है, ये एक्चुअली गलत थॉट है। फीवर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का, जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी प्रोटोजोअल के मल्टीप्लिकेशन से। कोई भी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस या प्रोटोजोआ कोई भी आपके शरीर में जब एंटर करता है तो आपका जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसको प्रोटेक्ट करता है फीवर को बढ़ा के। फीवर क्या करता है, इनके मल्टीप्लिकेशन को कम कर देता है ताकि उसकी ग्रोथ और उसके स्प्रेड को हम रोक सकें। बार बार फीवर अगर आप अपनी दवाइयों से कंट्रोल करेंगे तो पेशेंट का जो स्प्रेड है उस वायरस का, उस बैक्टीरिया का, बहुत तेज़ी से होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है, हम कालपोल या क्रोसिन की या कोई भी टैबलेट पैरास्टामोल की अगर हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये बैठना होगा कि हम केवल अपने सिम्टम्स को ठीक करने के लिए ये ले रहे हैं, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना ये कोई रिलीफ है अपनी प्रॉब्लम से।
जब आपको लगता है कि मेरा फीवर 103 क्रॉस कर रहा है और मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, 102 क्रॉस कर रहा है, तो आप ये ले लीजिए। प्रिफर करिए कम से कम मेडिसिन पे काम चलाए, क्योंकि जितनी ज्यादा ये लोग लेते हैं मेडिसिन, उतना उसका लिवर फंक्शंस खराब होते हैं और उतना ही पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। देखिए, अब हम बात करते हैं उन सारी दवाइयों के ऊपर जो कि एंटी एलर्जिक है, डीकंजेस्टेंट है। ये जितनी भी दवाइयां हैं, जैसे आपको स्नीजिंग होती है, गले में खराश होना, नाक बंद होना, खांसी होना, तो उन सारी दवाइयों में ये सारी दवाइयां काम करती हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहली जो टैबलेट है वो है एलेग्रा। एलेग्रा में ये 180 मिलीग्राम की, 120 मिलीग्राम की आती है। दूसरा है एविल, जो 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम में आते हैं, जिसमें लिवोसिट्रिजिन है। और फिर है फिनाइल एफ पैरास्टामोल, जो कि एक कॉम्बिनेशन है जिसमें चेस्टन कोल्ड और सॉल्वेंट कोल्ड की जो टैबलेट्स हैं वो इस कॉम्बिनेशन में होती हैं। स्टेमेटिल है और एक वर्टिन है, ये भी दो टैबलेट्स हैं जो कि आपको जो चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, डिजीनेस होती है, मोशन सिकनेस होती है, उसमें ये काम करते हैं। तो ये जितनी भी दवाइयां हैं, इसका कैसे मैकेनिज्म है, किस किस तरह काम करती हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं टैबलेट एलेग्रा, जिसकी जो डोजिंग है वो 180 या 120 मिलीग्राम में होती है। एक है एविल, जिसमें फेनिरामीन है, जिसमें 25 टू 50 मिलीग्राम, ये दो डोज में होता है। और एक है लिवोसिट्रिजिन। ये जो तीन दवाइयां हैं, ये एक तरीके से एंटी एलर्जिक का काम करती हैं। इसका जो मेन मैकेनिज्म ये है कि ये आपकी बॉडी में जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स है, चाहे वो स्किन के ऊपर है, चाहे रनिंग नोज है, नेजल डीकंजेशन है, या आपको मोशन सिकनेस है, मतलब आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल करने में कोई डिजीनेस हो रहा है या वर्टिगो हो रहा है, तो उन सब चीज़ों में भी कभी कभार ये एविल की टैबलेट काम करती है। इसमें मेन चीज़ जो है कि ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए हम प्रिफर करते हैं। खास चीज़ क्या है कि जो एविल है और जो लिवोसिट्रिजिन है, इसका सेडेटिव इफेक्ट होता है। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसका थोड़ा सा सेडेटिव इफेक्ट होता है, सिट्रिजिन का बहुत ज़्यादा होता है। लिवोसिट्रिजिन और एविल जो है, इसका जो सेडेटिव इफेक्ट है होता है, बट उससे कम होता है। लेकिन हमें चीज़ याद रखनी है कि अगर मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, या आप मान लीजिए कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तो इस प्रकार की मेडिसिन को अवॉइड करना है। रीज़न क्या है कि अगर आप इस प्रकार की मेडिसिन अवॉइड नहीं करते हैं और इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये मेडिसिन अगर आप एंटी एलर्जिक में ले रहे हैं, तो प्रिफर करेंगे नाइट में सोने के टाइम पे लेंगे, और प्रिफर करेंगे कि अगर आप ट्रेवल नहीं कर रहे हैं या आप कोई ऐसी एक्टिविटी, तब लेंगे। अब आप बात करते हैं, देखिए एक टैबलेट है चेस्ट एंड कोल्ड मेडिसिन, ये एक ब्रांड है। उसकी उसके दो सॉल्ट्स हैं, फिनाइलएफ्रिन और पैरास्टामोल है। फिनाइलएफ्रिन जो है ये नेजल डीकंजेस्टेंट है, मतलब एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी है। पैरास्टामोल जो है ये एक एनसेड्स है, जो कि आपकी बॉडी में जो फीवर के जो सिम्टम्स हैं, जो मलेज के सिम्टम्स हैं, उसको रिलीव करता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक तरीके से नेजल डीकंजेस्टेंट का काम करता है। मतलब रनिंग नोज है, सो थ्रोट है, उसमें हेल्प करता है। तो चेस्ट एंड कोल्ड की जो टैबलेट है, या सॉल्विन कोल्ड की जो टैबलेट है, इसका जो रोल है या मैकेनिज्म है, ये एक तरीके से डीकंजेस्टेंट एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स है। और ये दिन में 2 से 3 बार आप आराम से ले सकते हैं। बट प्राइमरी जो है, अगर मान लीजिए आपको इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के लिए कंसल्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये केवल एलर्जिक रेस्पॉन्स या इमीडिएट थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए है। लेकिन एंटीबायोटिक जो है, या कोई भी अगर वायरल इन्फेक्शन है, उस वायरल इन्फेक्शन के लिए जो ट्रीटमेंट है, या वो ट्रीटमेंट है उसके लिए जो ट्रीटमेंट है, वो आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही लेना है। ये केवल आपको एक सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए मदद करेगी।